ये किसी शादी की विदाई या शादी की तस्वीरें नहीं, बल्कि बेटी के पैदा होने का जश्न है। तस्वीरें जितनी शेयर की जा रही हैं, उतना ही भावुक भी कर रही हैं। दरअसल बिहार के बेतिया के रहने वाले शेषनाथ कुमार के यहाँ दूसरी बेटी का जन्म हुआ और पिता ने इस खुशी को शहर ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना दिया। शेषनाथ ने अपनी बेटी का स्वागत अनोखे तरीके से किया। शेषनाथ ने अपनी बेटी को अस्पताल से घर ले जाने के लिए कार को सजा दिया। ऐसी सजावट जैसे एक पिता धूमधाम से गाड़ी को सजाकर बेटी को विदा करता है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बेतिया के चपरिया गांव का है। शेषनाथ को पहले भी एक बेटी है, लेकिन दूसरी बेटी होने पर उन्होंने इसका जश्न मनाया। हमने शेषनाथ से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उनके घर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी पैदा हुई है। सुनिए। मेरे घर बेटियां नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी पैदा हुई है। उसके बाद समाज जो है बेटियों को हे दृष्टि से देखता है, लेकिन मैं बेटियों को बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता हूँ। और मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा के माध्यम से हमने अपने समाज, अपने गांव, अपने देश को एक समाचार के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग बेटियों को सम्मानित करें, बेटियों को सम्मान दें। इसलिए हमने अपने बेटी के प्रति बहुत लगन और श्रद्धा से ऐसा व्यवस्था किया। आपको ये बात तो पता ही होगी कि बेटियां पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, वहीं पिता भी बेटी पर जान छिड़कते हैं। यही वजह है कि बिहार के बेतिया में बेटी पैदा होने पर जश्न मनाने का जो तरीका उसके पिता ने चुना, वो अब चर्चा का विषय बन गया। शेषनाथ कुमार हेल्थ सेंटर से फूलों और गुब्बारों से सजी कार में अपनी नवजात बेटी को घर लेकर आए। शेषनाथ के पास खुद की कार भी नहीं है, लेकिन उन्होंने किराए पर कार को लिया और उसे सजा दिया। कार में बिटिया की माँ भी थी और माँ, पिता और बेटी सजी हुई कार से ही घर पहुँचे। अब ये वीडियो और एक पिता का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है।